प्रधानमंत्री आज दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। जोहानसबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। आज नई दिल्ली में प्रेस वार्ता लेकर कही यह बात। मुख्यमंत्री ने राज्य में कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए रायपुर में राज्य स्तरीय कुश्ती अकादमी और बजरंग बली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की। और भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने 21 प्रत्याशियों के लिए आयोजित की परिचय बैठक। चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अंकुर शुक्ल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की 4 दिनों की यात्रा पर रवाना हुए हैं। इस दौरान वे जोहानसबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। दक्षिण अफ्रीका रवाना होने से पहले दिए गए बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भविष्य में सहयोग के क्षेत्रों की पहचान और संस्थागत विकास की समीक्षा का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ब्रिक्स विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के मजबूत एजेंडे को बढ़ावा दे रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत विकास के लिए आवश्यक मुद्दों और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार सहित विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए आवश्यक मुद्दों पर विचार विमर्श के उचित मंच के रूप में ब्रिक्स को अहमियत देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के निमंत्रण पर ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं। गौरतलब है कि दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि जोहानसबर्ग में वे ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस संवाद कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। यह कार्यक्रम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की गतिविधियों का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान वे वहां आमंत्रित कई अन्य अतिथि देशों के नेताओं से भी मिलेंगे। वे जोहानसबर्ग में कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के दौरे के बाद वे ग्रीस के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका से एथेंस जाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि वह ग्रीस की उनकी पहली यात्रा होगी। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने ओडिशा प्रवास के दौरान आज भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय ओडिशा स्वाभिमान सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्री हरिचंदन ने इस मौके पर ओडिशा की गौरवशाली संस्कृति, साहित्य, इतिहास, परंपरा का स्मरण किया। श्री हरिचंदन ने कहा कि ओडिशा का साहित्य जितना समृद्ध है उतना ही सुंदर भी है। ओडिशा के साहित्य में दर्शन, जीने की कला और पूरे विश्व को अपना परिवार कहने का साहस है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति और परंपराएं रिश्तों को बढ़ावा देती हैं और सद्भाव पैदा करती हैं, साथ मिलकर रहने का दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। हमारी सैन्य शक्ति शांति का संदेश देते हुए अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देती हैं। इस मौके पर राज्यपाल ने पीड़ित लोगों के लिए खड़े होने और उन्हें उनका अधिकार दिलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय तलवार या तोप का नहीं बल्कि शांति और कानून का है। विश्व को एक परिवार मानें और एक दूसरे की ओर हाथ बढ़ाएं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे प्याज की किसानों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में एक पत्रकार वार्ता में यह बातें कहीं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं के हित का ध्यान रखा जा रहा है। मैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के प्याज किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन्हें उनकी प्याज की सही कीमत मिलेगी, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस वर्ष हमने अभी तक 3 लाख टन, 1.5 लाख टन नाफेड द्वारा, 1.5 लाख टन एनसीएफ द्वारा अभी तक हम खरीद चुके हैं, जिसके कारण जो किसानों का दाम बहुत ही कम था आज से महीना डेढ़ महीना पहले, वो अच्छी मात्रा से बढ़ा है और किसानों को अपनी उपज के लिए सही दाम मिला। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों की परेशानी दूर करने के लिए केंद्र सरकार कई कदम उठाएगी। इसके तहत देश के कई राज्यों में प्याज पर 25 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी ताकि किसानों सहित आम लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। साथ साथ एनसीसीएफ और नैफेड देश के अलग अलग इलाकों में 25 रुपए पर सब्सिडाइज रेट पर केंद्र सरकार वो सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। सब्सिडाइज रेट पर
प्याज उपभोक्ताओं के लिए, सामान्य आदमियों के लिए, सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध कराएगी। ये काम कल से शुरू हो गया। कल कई सेंटर्स में 25 रुपए में प्याज बेचा भी गया, बांटा भी गया, और आज उसको और तेज गति दी जाएगी। और आगे आने वाले दिनों में जिन जिन इलाकों में उपभोक्ताओं को प्याज की महंगाई की परेशानी हो, हमारा प्रयास रहेगा कि वहाँ पे NCCF और NAFED सेंटर्स के माध्यम से या सरकारी व्यवस्थाओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को 25 रुपए में प्याज उपलब्ध कराए। गौरतलब है कि नासिक स्थित देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी से जुड़े किसान और व्यापारी प्याज के निर्यात पर 40% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाए जाने के विरोध में हड़ताल पर हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी में शंकर सेवा समिति द्वारा आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राज्य में कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए रायपुर में राज्य स्तरीय कुश्ती अकेडमी खोलने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए बजरंगबली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू करने की भी बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मलखंब और कुश्ती प्रतियोगिता की प्राचीन परंपरा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागपंचमी के अवसर पर पहले गांव-गांव में मलखंब, मलयुद्ध, कबड्डी, कुश्ती आदि का आयोजन होते थे। पहलवान बड़ी संख्या में हिस्सा लेते थे। आज के दौर में ऐसे अवसर पर कुश्ती का आयोजन सराहनीय है। रायपुर में राज्य स्तरीय कुश्ती अकादमी की घोषणा करता हूं। और दूसरा, राज्य के अखाड़े के संरक्षण एवं समर्थन के लिए और उसकी सहायता के लिए बजरंग बली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा करता हूं। बजरंग बली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना, हाँ, इसे प्रोत्साहन कर रहे जो आप मेट की मांग कर रहे थे और जो सब कर रहे थे, तो इसके लिए प्रावधान भी किया जाएगा और कुश्ती अकादमी दोनों की घोषणा मैं करता हूं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं जो अभावों में हम लोग हमारे बच्चे भाग नहीं ले पाते, आगे नहीं जा पाते, तो कुश्ती हमारी प्राचीन परंपरा है, उसे वर्तमान पीढ़ी ने, कुछ साथियों ने और हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं इधर भी बैठे हैं, उधर भी खड़े हैं, सब लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं उस विधा को बचा कर रखें। कुश्ती प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार रायपुर के रामकुंड अखाड़ा को प्राप्त हुआ, वहीं द्वितीय पुरस्कार खेल विभाग को और तृतीय पुरस्कार रायपुर के ही दंतेश्वरी अखाड़ा को मिला। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों अपने 21 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की थी। इसी के मद्देनजर आज रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय में 21 प्रत्याशियों के लिए एक परिचय बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रत्याशियों को 21 विधानसभा क्षेत्रों में जनता के बीच जाने के लिए विशेष टिप्स दिए गए। साथ ही बैठक में केंद्र की उपलब्धियों और राज्य सरकार की नाकामियों को लेकर चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नबीन, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह सहित भाजपा के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे। नारायणपुर जिले के ओरछा थाने के अंतर्गत भटबेड़ा के जंगल में आज पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस ने एक वर्दीधारी माओवादी को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक माओवादियों और पुलिस के बीच करीब एक घंटे तक गोलियां चली। जवानों को भारी पड़ता देख माओवादी मौके से भाग निकले। वहीं मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घटनास्थल की सर्चिंग की, जहां मौके से जवानों ने एक वर्दीधारी माओवादी का शव बरामद किया। जिले के पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा ने बताया कि भटबेड़ा के जंगल में माओवादियों के होने की सूचना मिली। इसके बाद ओरछा थाने से DRG और बस्तर फाइटर का संयुक्त बल नक्सल ऑपरेशन के लिए निकला हुआ था। इसी दौरान माओवादियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में एक माओवादी मारा गया। आज नारायणपुर पुलिस के थाना ओरछा में हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम भटबेड़ा के आसपास नक्सलियों की उपस्थिति है, जिसमें इंद्रावती एरिया कमेटी के ओरछा LOS और LGS के सदस्यों की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर हमारे नक्सल अभियान एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए हमारे थाना ओरछा से DRG और बस्तर फाइटर की संयुक्त टीम जो है उस गाँव के लिए रवाना हुई। आज सुबह करीब 9 बजे नक्सलियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिस मुठभेड़ के उपरांत हमने एरिया की सर्चिंग की तो हमें एक पुरुष नक्सली का शव बरामद हुआ।
साथ ही हमें उसके दो हथियार बरामद हुए, जिसमें से एक 315 बोर राइफल और एक 12 बोर राइफल बरामद हुआ। इसके अतिरिक्त जो दैनिक उपयोगी सामान और उनके गैजेट्स हमें बरामद हुए। पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा ने बताया कि मुठभेड़ के बाद मौके से खून के धब्बे मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मुठभेड़ में और भी माओवादियों के मारे जाने या घायल होने की आशंका है। बीजापुर जिले के परसेगढ़ से दो दिन पहले अगवा किए गए सरपंच महेश घूटा को माओवादियों ने देर रात रिहा कर दिया है। माओवादियों ने सरपंच पर धारदार हथियार से हमला कर घायल अवस्था में सुमनपल्ली के पास सड़क किनारे छोड़ दिया था। घायल सरपंच को बीजापुर में प्रारंभिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जगदलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। गौरतलब है कि दो दिन पहले बीजापुर जिले के अति संवेदनशील थाना परसेगढ़ के दामाराम चिकट राज पहाड़ी पर ग्रामीण पूजा अर्चना के लिए गए हुए थे। इस दौरान माओवादियों ने करीब 50 ग्रामीणों का अपहरण कर लिया था। माओवादियों ने कुछ देर बाद सरपंच महेश घोटा को छोड़कर बाकी सभी ग्रामीणों को रिहा कर दिया था। जांजगीर चांपा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा की मदद से गांव की सड़कें और चौक चौराहे रोशन हो रहे हैं। जिले के बलौदा विकासखंड के चार पारा और डोरला गांव में रहने वाले लोगों को सौर ऊर्जा की वजह से काफ़ी सहूलियत हो रही है। गांव वालों को सौर ऊर्जा से एक ओर जहां बरसात के दिनों में सांप बिच्छू जैसे कीड़े मकोड़ों से बचने में आसानी हो रही है, वहीं बच्चों को रात में भी पढ़ने लिखने और घर आंगन में निकलने में काफ़ी मदद मिल रही है। आज अक्षय ऊर्जा के माध्यम से इन गांवों के साथ अन्य गांवों को अब अंधेरों से छुटकारा मिल रहा है। ग्रामीणों ने दूरदर्शन समाचार से अक्षय ऊर्जा के लाभ के बारे में बताते हुए कहा कि सौर ऊर्जा के माध्यम से अब गली मोहल्लों में उजाला रहता है। लगे ही बढ़िया अंजोर रहते, लड़का बढ़िया पढ़ात लिखा थे, एक सांप बिच्छू के कोई ये नहीं है, बढ़िया साफ सफाई है, हर चीज अच्छा है। पहले सौर ऊर्जा बरसात के दिन में बहुत तकलीफ होता था, अब लेकिन सौर ऊर्जा मतलब सौर ऊर्जा का लाइट लग गया है यहाँ, तो सांप बिच्छू का पहले डर रहता था, अब वो डर नहीं रहता। और ये चौक है अटल चौक, यहाँ से चंदनिया जाता है और यहाँ से बलौदा और यहाँ से परसाही, तो पहले बच्चे यहाँ पर आने से डरते थे, जंगली एरिया था, अब लेकिन जैसे ही सौर ऊर्जा लगा है तो यहाँ सांप बिच्छू का डर नहीं रहता और सब बच्चे यहीं पर खेलते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। हमारे गाँव में लाइट गोल होता है तो हमारे घरों तक ये लाइट जाता है और हम यहाँ पर खेलने कूदने आ जाते हैं और पढ़ते भी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा के सहायक अभियंता दीपक साहू ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में अक्षय ऊर्जा की वजह से ग्रामीणों को अंधेरों से मुक्ति मिल रही है, वहीं बिजली के खर्चों में भी बचत हो रही है। 2022-23 में लगभग 209 सोलर आई मस्तों की स्थापना विभिन्न ग्रामों के चौक चौराहों में, हाट बाजारों में की गई है। इससे यह फायदा है कि रात के समय में आपको चौक चौराहे में प्रकाश व्यवस्था हो जाती है, साथ में कोई अतिरिक्त ग्रिड बिजली की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, इसलिए ग्रामीणों को और पंचायतों पर अतिरिक्त बिजली का वित्तीय प्रभार नहीं आता। इस वर्ष भी लगभग 100 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जो कि विभिन्न ग्राम पंचायतों में लगाया जाना है। बरसात के दिनों में ये अत्यधिक फायदा इसलिए मंद इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश व्यवस्था होने से कीट जीव जंतु से चौक चौराहे बचे रहते हैं और साथ में लोगों को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। गौरतलब है कि राज्य में क्रेडा द्वारा सौर ऊर्जा के उपयोग से एक बड़ी आबादी को फायदा पहुंचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। क्रेडा द्वारा पेयजल, सिंचाई, स्ट्रीट लाइट, जल शोधन जैसे क्षेत्रों में काफी कार्य किया जा रहा है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। यूट्यूब चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री आज दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस के चार दिवसीय यात्रा पर रवाना, जोहानसबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों में इजाफा नहीं होगा, आज नई दिल्ली में प्रेस वार्ता लेकर कही यह बात। मुख्यमंत्री ने राज्य में कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए रायपुर में राज्य स्तरीय कुश्ती अकादमी और बजरंग बली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की। और भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने 21 प्रत्याशियों के लिए आयोजित की परिचय बैठक, चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा।
इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।